हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का फंक्शनिंग क्या है, हार्ट का रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ECG क्या होता है, ठीक है। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे एसोसिएटेड कौन कौन सा डिजीज है, ठीक है, और वो डिजीज होता कैसे है, ठीक है, उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे बेसिकली दे आर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो डिजीज है दे आर, फर्स्ट हाइपरटेंशन, सेकेंड कैट इन द सेंस कोरोनरी आर्टरी, डिजीज एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, सिक्स्थ हार्ट अटैक, सेवेंथ आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस ठीक है। तो ये वो डिजीज है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। तो वन बाय वन हम अगर देखते हैं तो फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, बेटा मैंने लास्ट क्लासेस में आपको ब्लड प्रेशर के बारे में आपको डिस्कस करवाया था और बताया था कि ब्लड प्रेशर ब्लड के थ्रू अप्लाई किया वो प्रेशर है ब्लड वेसल्स के ऊपर जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, दैट इज 120 एंड 80। अब यहाँ पे 120 जो था वो तो सिस्टोलिक प्रेशर था और 80 जो था वो डायस्टोलिक प्रेशर था बेसिकली। अगर इस नॉर्मल प्रेशर से हाई हो जाता है प्रेशर, ठीक है, तो कंडीशन इज नॉन एज द हाइपर टेंशन बेसिकली। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। तो हाइपर टेंशन जो होगा वो क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ठीक है। इट मे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो अदर फंक्शनिंग होगी, ठीक है, वो डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, वो एंजाइटी कंडीशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है, स्ट्रोक कंडीशन भी कॉज करता है, कोरोनरी डिजीज भी कॉज कर सकता है बेसिकली, ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है बेसिकली। तो हाइपरटेंशन है क्या, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर बिकम हाई, ब्लड प्रेशर बिकम हाई, ठीक है, दैट इज 140 एंड 90। तो 140 तो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर हो जाए और 90 वो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपर टेंशन। नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल बीपी जो है दैट इज 120 एंड 80। तो यहाँ पर 120 तो वही सिस्टोलिक प्रेशर था और 80 जो था वो डायस्टोलिक प्रेशर था बेसिकली। अगर इससे ज्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर द कंडीशन इज नोन एज द हाइपरटेंशन। तो ज्यादा कितना 140 90 या फिर 140 90 और इससे अब होता है तो दिस इज हाइपरटेंशन।
ठीक है, तो हाइपरटेंशन जो है एक लीड का, एक लीड फर्स्ट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा, ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट द अदर फंक्शन, दैट इज इट मे कॉज द स्ट्रोक, स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है, कार्डियक डिजीज भी कॉज कर सकता है, डिजीज और हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज ये भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, कॉज कर सकता है, और डिप्रेशन भी कॉज हो सकता है, एंजाइटी भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हाइपरटेंशन की वजह से या इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। वैसे अब वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उसके डिफरेंट फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज कैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो बेटा कैट होता क्या है, हमारा जो हेड का लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से एक पाइप रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम एओर्टा, और एओर्टा से जो आर्टरी डेवलप हो रहे हैं वो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से, तो उनमें से एक आर्टरी है दैट इज कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट की मसल्स के लिए या हार्ट के डिफरेंट पार्ट के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर वो कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर या फिर ल्यूमन जो है नैरो हो जाए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइबरस टिश्यूज, ठीक है, तो ल्यूमन नैरो होने की वजह से हार्ट की मसल्स के पास या हार्ट के डिफरेंट पार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा था वो सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, कैड जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो उस कैड की वजह से डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ या डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज हो सकता है, हार्ट फेलियर वाला कंडीशन आ सकता है, हार्ट अटैक वाला कंडीशन हो सकता है, या कार्डियक अरेस्ट वाला कंडीशन आ सकता है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे देखना है कैड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यह हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था जिसमें चार चैम्बर थे, दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल, टू एट्रियम में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दिस वॉज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रियम था राइट एट्रियम के अंदर आके ही ओपन हो गए थे सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद, जो कि बॉडी के अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते थे राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वो एसोसिएटेड था ट्राइकस्पिड बाल से, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग गाइड था ट्राइकस्पिड बाल से दूसरी तरह, जबकि लेफ्ट एट्रियम जो था इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आके ओपन हुआ था एक पाइप विच इज नोन एज द पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास ट्रांसफर करने का काम करता था। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो थे दे आर गाइडेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो था इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा पाइप रिलीज होता था जिसको हम बोलते थे सिस्टेमिक एओर्टा, और सिस्टेमिक एओर्टा जो था वो फर्दर फॉर्म करता था डिफरेंट आर्टरी को, और सिस्टमिक एओर्टा के अंदर जो ब्लड फ्लो होता था, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता था,
सिस्टम के बेसल रीजन पे एक बाल प्रोजेक्ट था जिसको हम बोलते थे सेमी लूनर बाल। तो बेटा ये एओर्टा जो है दिस एओर्टा, इस एओर्टा से रिलीज हो रहा है एक आर्टरी विच इज नॉन एज द कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी जो आर्टरी है ये हमारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट के लिए ब्लड का सप्लाई करता है जैसे ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल जो है या हार्ट का मसल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हार्ट की मसल्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई है या डिफरेंट मटेरियल का सप्लाई है उस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ही होगा। तो किसी रीजन बस किसी फैक्टर के बेसिस पे अगर एक कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाए ठीक है, जिसमें लीक इन द कैप, उसी को हम बोले जाते हैं कैपिलरी का ठीक है। दिस इज कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन जो है उसमें कैप एक सप्लाई ब्लड, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स गैसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द टू डिफरेंट पार्ट और कार्डियक मसल ठीक है। तो कार्डियक मसल को जब सप्लाई हुआ तो परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन, टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट का जो फंक्शनिंग होगा वो नॉर्मल होगा, अगर उसका ल्यूमन नॉर्मल ही है, किसी का ऐसे कोई डिपोजिशन के अंदर नहीं हुआ है या ल्यूमन नैरो नहीं हुआ है ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी था जो कि हार्ट की मसल्स के लिए हार्ट के डिफरेंट पार्ट के लिए इस ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है ठीक है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी किसी काम से अफेक्टेड नहीं हो रहा है ठीक है, तो इस हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल ही रहेगा, कार्डिक साइकिल से जो नॉर्मल ही रहेंगे जो कि 72 टाइम्स पर मिनट है ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो था स्ट्रोक या कार्डियक आउटपुट जो था वो भी नॉर्मली ही रहेगा बेसिकली। लेकिन अगर किसी फैक्टर के बेसिस पे ये इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है द कंडीशन इज नॉन एज द कैरियर। तो ये मैं आपको यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी बता रहा हूँ, दिस इज कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी के इनर वॉल के अंदर अगर डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, फैट का और फाइबरस टिश्यूज का, तो दिस विल लीड टू द कैट, वो कॉज कर देगा क्या कैट डिसऑर्डर, और कैट फर्दर लीड टू द अदर हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। दिस इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड फाइब्रस इनसाइड वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। दिस लीड टू द लीड
नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी, ल्यूमन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी, वो कॉरोनरी आर्टरी के ल्यूमन को नैरो कर दिया। दस कॉरोनरी आर्टरी फेल टू सप्लाई सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स, फेल टू सप्लाई सफिशियंट ब्लड टू हार्ट मसल्स, टू हार्ट मसल्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम कॉज होगा, एंजिना पेक्टोरिस कंडीशन है या फिर वो हार्ट फेलियर वाला कंडीशन है या कार्डियक अरेस्ट वाला कंडीशन है या हार्ट अटैक वाला कंडीशन से हो सकता है। दिस ओवरऑल बहुत कैड, ठीक है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, कैड का ऑप्शन नाम है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस ये हम इसको, ठीक है, ध्यान रखना कैड होता क्या है, ठीक है। इस वजह से हो रहा है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फैट और फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी वो आर्टरी था जो इस हार्ट की डिफरेंट मसल्स के लिए ब्लड का सप्लाई कर रहा था, ठीक है। और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर रहा था न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट फैक्टर्स। तो नेक्स्ट इज एंजिना पेक्टोरिस। थर्ड जो डिजीज है दैट इज एंजिना पेक्टोरिस। It is the condition. It is the condition in which no enough oxygen is reaching to the heart muscles. Heart muscles. हार्ट की जो मसल्स है उनके पास सफिशियंट अमाउंट में या फिर एनफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा, विच लीड टू एक्यूट चेस्ट ये उसका सिम्टम्स है। एंजिना पेक्टोरिस के केस में ब्लड का जो सप्लाई है या ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हार्ट की मसल के पास वो डिक्रीज हो जाता है। अब चाहे वो इस कैड की वजह से ही हुआ, ठीक है। तो कैड में क्या हो रहा था कि इस प्लेक डिपोजिशन होने की वजह से या कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर वॉल के अंदर डिपोजिशन होने की वजह से उसका ल्यूमन नैरो हो गया, ठीक है। तो ब्लड का जो सप्लाई था हार्ट के पास, हार्ट की मसल्स के पास, वो कम होता चला गया। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन का सफिशियंट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पा रहा हार्ट के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का मसल जो होगा ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा और विल लीड टू द एक्यूट चेस्ट पेन। तो यहाँ पे जनरली रूटीन वर्क में इंडिविजुअल के पास प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है या वो हार्ट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उस केस में उसके पास एक्यूट चेस्ट पेन डेवलप हो जाता है। जनरली एंजिना पेक्टोरिस जो है वो कॉमन है मिडिल एज के इंडिविजुअल्स के अंदर और एज इंडिविजुअल्स के अंदर। इन दिस केस नो प्रॉब्लम डेवलप अगर इन
नॉर्मल रूटीन वर्क, रूटीन वर्क, बट एक्यूट चेस्ट पेन, डेवलप्स ब्रीदिंग, नॉर्मल जो रूटीन वर्क है उस टाइम किसी टाइप से उस पेशेंट को इंडिविजुअल को प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल हार्ड वर्क करता है या हार्ड एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो इट विल लीड टू द एक्यूट चेस्ट पेन. एंजिना पेक्टोरिस इज कॉमन इन, इट इज कॉमन इन मिडिल एज इंडिविजुअल elderly individual. This all about the angina pectoris. Next to disease that is heart failure. अगर हमारा हार्ट एनफ अमाउंट में ब्लड को पंप आउट नहीं कर पाता, जो कि ब्लड की बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हार्ट फेलियर हो सकते हैं. इट इज द कंडीशन वेन फोर्थ हार्ट It is condition when heart failure to pump enough blood to meet the body's need. Meet the body needs. Body needs. Then the condition is known as the heart failure. Next, cardiac arrest. Cardiac arrest, what is the condition? Heart failure. This is cardiac arrest. अगर हार्ट का बीट स्टॉप हो जाता है तो कंडीशन नॉन एज द कार्डियक अरेस्ट. इट इज द स्टॉपेज ऑफ, इट इज द कंडीशन इन विच द हार्ट बीट गेट स्टॉप, हार्ट बीट गेट स्टॉप. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसका पेज ऑफ हार्ट बीट और हार्ट बीट इज नॉन एज, इज नॉन एज कार्डियक कार्डियक. अगर हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दे, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द कार्डियक अरेस्ट. नेक्स्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक व्हाट्स द कंडीशन, हार्ट अटैक
मसल सडनली डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द हर्ट अटैक, ठीक है। तो सडन हर्ट मसल से कार्डियक मसल डैमेज होने की वजह से हर्ट का पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेगा क्या, हर्ट अटैक। इज द कंडीशन इन विच हर्ट मसल और कार्डियक मसल सडनली गेट डैमेज, ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल, टू हार्ट मसल, अगर हार्ट मसल के पास इनसफिशियंट अमाउंट में या फिर इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाए ब्लड का, ठीक है, तो दिस विल लीड टू द सडनली डैमेज ऑफ हार्ट मसल ऑफ कार्डियक मसल, दिस कंडीशन इज नोन एज द हार्ट अटैक, ठीक है। अब ये हो सकता है कि कैड की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, कि कैड जब कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज था उसकी वजह से पर्टिकुलर मसल्स के पास ब्लड का सप्लाई जो है फुलफिल नहीं हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसल्स जो है वो डैमेज हो गया, कंडीशन को हम बोलता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी आर्टरीज जो होंगी उनकी हार्डनिंग हो जाएगा ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन, ठीक है, तो हार्डनिंग की वजह से उन आर्टरीज की जो वॉल है उनके पास इलास्टिक जो पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को बियर कर पाते थे, ठीक है, मेंटेन कर पाते थे, ठीक है, वो लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो होगा ना वो इंक्रीज होता चला जाएगा, कंडीशन इज नोन एज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो हम इसको हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी बोलते हैं, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन इन विच the hardening of arteries will occur due to calcification का मतलब क्या है, deposition of calcium which reduces the which reduces the elastic power of arteries, जो artery है उस artery की elastic जो power है जिसकी वजह से blood pressure को bear कर देती है और maintain कर पा देती है, ठीक है, वो उस power को reduce कर देती है जिसकी वजह से blood का pressure increase होता चल रहा है, reduces the elastic power of arteries, thus blood pressure, thus artery unable to maintain, to maintain blood pressure, the BP है उसको maintain नहीं कर पाएगी, ठीक है, और causes increase in blood pressure, increase in blood pressure और hypertension, यह hypertension भी cause कर सकता है, hypertension और hypertension की वजह से जो problem हो रही थी वो same problem इस arteriosclerosis की वजह से भी हो सकती है,
दिस वाज द आर्टेरियो स्क्लेरस. नेक्स्ट डिजीज इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज. तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हार्ट के जो वाल्व है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो एंटीबॉडीज जो होंगे उस हार्ट वाल्व को डैमेज कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली, ठीक है. उस कंडीशन को हम बोले करते हैं रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, ठीक है. जनरली होता क्या है, हमारा बॉडी का इम्यून का जो सेल्स है वो एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स है उसको एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके यानी डिस्ट्रॉय करता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, ठीक है. लेकिन किसी रीजन बस उन सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए या उनके जीनोम के अंदर चेंज हो जाए, ठीक है, तो बॉडी का जो डिफेंस का जो सेल है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करने का काम करता था जिनको हम APCs बोलते थे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, अगर वो उस पावर को लॉस कर दे सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की जो पावर है, ठीक है, और वो स्टार्ट कर दे अपने ही बॉडी के पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करना एज ए एंटीजन, ठीक है, तो वो अपने ही बॉडी के सेल के अगेंस्ट या पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और एंटीबॉडीज जो होंगी उस पर्टिकुलर सेल्स को या वाल्व को या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा उसे, ठीक है. तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है ऑटो इम्यून, तो इसका मीनिंग है द इंजुरी ऑफ सेल्फ ऑर्गन्स और सेल्फ सेल्स बेसिकली, ठीक है. तो ये ऑटो इम्यून टर्म में हमारी बॉडी के ही पार्टिकल्स जो होंगे, हमारे बॉडी के ही सेल्स जो होंगे या फिर रिसेप्टर्स होंगे या फिर पर्टिकुलर कोई पार्ट होगा वो डैमेज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जो फंक्शनिंग था, ठीक है, वो फिनिश हो जाएगा बेसिकली. उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है. तो ये रूमेटॉइड हार्ट डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. Rheumatic heart disease. It is an autoimmune disorder. In which autoantibodies develops against heart wall. जो हार्ट के वाल्व थे उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि उन हार्ट वाल्व को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. विच फर्दर कॉजेस विच दीज एंटीबॉडीज दीज ऑटो एंटीबॉडीज डैमेजेस द हार्ट. ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज. तो दिस ऑल वाज़ द डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. थैंक यू.